एक आम इंसान का एक्सरे करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, पर आप इन दीदी का एक्सरे करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब तुम में से काफी लोग इनको नहीं जानते होंगे और जानते भी होंगे तो इनको यही कुछ वीडियोस जानते होंगे। तो सबसे पहले मैं तुमको इनके बारे में बता देता हूँ। तो इन दीदी का नाम है अंजलि अरोड़ा और ये इंस्टाग्राम की बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर है। पहले ये टिकटॉक पे मटकती थी और अब ये इंस्टाग्राम पे मटकती है। पर अब तुम लोग कहोगे कि वो सब तो ठीक है भाई, पर तू ये बता कि तूने वीडियो क्यों बनाई है बे। तो भाई मैं इन पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इनकी कुछ वीडियो वायरल हो रही है और इनकी वीडियो को वायरल कर रहे हैं मीमर्स, बिकॉज उनको लगता है कि मैडम के पास कुछ करने के लिए नहीं है सिर्फ मटकने के अलावा। देखो भाई, आजकल मैं जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे मुझे यही मैडम दिखती है अपना दूरदर्शन मटकाते हुए, जो मैं देख देख के इतना पक गया हूँ कि मेरा गांड सबसे भरोसा उठ गया है। मतलब मॉर्निंग में इंस्टाग्राम खोला तो ये, दोपहर को खोला तो भी ये, शाम को खोला तो भी ये, और तो रात को मैं इंस्टाग्राम नहीं खोलता, पॉर्नहब खोलता हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। देखो भाई, अब मैं तुमको इन दीदी का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कंटेंट दिखाने जा रहा हूँ, तो हो सकता है तुमको गांड का अटैक आ जाए। तो प्लीज कुर्सी का पेटी बांध ले क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और गांड हिलाना है जा। देखो दीदी, आपसे मिलने का तमन्ना तो हमको बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपके फिगर से अपना टाइगर श्रॉफ का फिगर है। तो एक बार के लिए मैं टाइगर श्रॉफ से मिल लूं, पर आपसे तो मेरी पुश्ते भी नहीं मिलना चाहेगी। तो ये दीदी पहले वो थी जिनको कोई नहीं जानता था, मतलब फेमस तो थी लेकिन उतना भी नहीं कि लोग इनको जानते हो। पर जब से ये मैडम ये करने लगी है तो ये इतना फेमस हो गई है कि जितना अपना सौरभ जोशी फेमस नहीं है। इनके फैंस इनके लिए अपना दिल, गुर्दा, लिवर और यहाँ तक कि अपना लंग्स भी देने को तैयार है। देखो भाई, दीदी की तरह मेरा एक दोस्त था जिसकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा मांस था। एक दिन वो बाइक तेज चला रहा था जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका फेस का मांस गायब हो गया। तो फिर क्या, डॉक्टर ने उसके गांड का मांस उसके मुंह पे लगा दिया जिसके कारण वो तो ठीक हो गया। पर पता नहीं लोग उससे ये क्यों पूछते हैं कि भाई तेरे को दाढ़ी आती है या फिर जांघ। मुझे तो अभी भी समझ में नहीं आता कि लोग उससे ऐसा क्यों पूछते रहते हैं। अगर तुमको कुछ समझ में आया तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। तो अभी आते हैं दीदी पे, तो अब तुम पूछोगे कि भाई तूने ये कहानी इस मैडम लिखा के हमें क्यों सुनाई। तो मैं तुमको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि कभी भी गांड का मांस भी लोगों के लिए इतना काम आ जाता है, पर तुम इन लोगों को देख लो ये इसका यूज कैसे करते हैं। दीदी की वीडियो में लोगों ने जितना इनको नहीं देखा होगा उससे ज्यादा उन्होंने कुछ और देखा होगा और मजा भी लिया होगा। अरे भाई, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि हमें ऐसा काम करना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्री हमको देख के हमारा कल्चर अपनाए, ना कि तुम उनको देख के उनका कल्चर अपनाओ। पर कोई नहीं, इनकी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। I got so much motherfucking design on right now. Jidne da tera mukh vekhya rooh hoyi adewani. शाबाश विनोद, अमेरिका से 4 ऑस्कर का प्रबंध कर क्योंकि मैडम बहुत ही अच्छा डांस कर रही है। ठीक है मालिक, प्रबंध हो जाएगा, पर ये तो बताइए कि ऑस्कर की गांड का साइज बढ़वाना है कि नहीं। देखो भाई, इनका नाम अंजलि अरोड़ा नहीं बल्कि अंजलि का डोला होना चाहिए था क्योंकि हर टाइम तो ये बस डोलती रहती है। अरे भाई जाओ, म्यूजिक वीडियो बनाओ, जो तुमको चाहिए था सब तो मिल ही गया है। दुनिया में 4 प्रकार के गांड होते हैं और उनमें से चौथा कैटेगरी वाला गांड मेरा है क्योंकि मैं इनकी वीडियो अपने गांड से देख रहा हूँ, बिकॉज आंख से देखने लायक वीडियो बनाती ही नहीं है ये मैडम। अब तुम इनकी यही वीडियो देख लो। हाँ, इनकी वीडियो देख के लोग सिर्फ यही बोलते हैं कि छे अब क्या बोले साला, कलयुग आ गया है कलयुग। पर फिर भी तुम इन मैडम को देख लो, ये कह रही है बोलेगा साला। देखो मैडम, आपको देख के मैं सबसे पहले तो ये बोलूं, पर जनता ने मुझे मजबूर करके रखा है इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। मतलब इनकी वीडियो देख के तो मेरा पता ही भी शर्मा जाए और कहे कि ई कौन है बे, जी के पास हमारा से ज्यादा टैलेंट है। देखो भाई, 90s में एक मूवी आई थी जिसका नाम था आदमी खिलौना है, लेकिन आज मुझे पता चला कि आदमी खिलौना बनाता कौन है। जूस पी लो फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट में नया जूस मशीन आया है। देखो भाई, ये लोग सुधरने में से तो है नहीं, पर क्या तुमको सुधरना है? और अगर सुधरना है तो आज लाइए 10 रुपए की कैंची और अपने मोबाइल के चार्जर को काट दीजिए क्योंकि ना रहेगा बांस और नहीं बजेगी बांसुड़ी। और ये दीदी बहुत ही टैलेंटेड है, ये इतना टैलेंटेड है कि जब मैंने इनके ऊपर अपना पहला वीडियो बनाया तो उस टाइम मुझे इतना व्यूज मिल गए थे, पर अब तो अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। अब देखते हैं कितना व्यूज मिलता है। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं इस पे पार्ट 3 बनाऊंगा। पर अभी बात करते हैं थोड़े से फैक्ट्स के बारे में। तो इंस्टाग्राम अब इंस्टाग्राम ना होकर अश्लीलग्राम हो चुका है, और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद इंस्टाग्राम पे अपलोड हुए वीडियोज कह रहे हैं। और इसमें गलती ना इंस्टाग्राम की और ना ही इनकी, गलती सिर्फ देखने वालों की है। अगर देखने वाले अपना नजरिया चेंज करके इस वीडियो को देखेंगे तो उनको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। अब ये चीज लड़के करते तो ठीक होता, पर अगर लड़कियां करें तो इनको
दिक्कत है। सो मुझे जितना समझाना था मैंने तुमको समझा दिया है, बाकी ये वीडियो सिर्फ एक मजाक था तो मजाक की तरह ही लेना। और तुम बताओ तुमको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में बताना कि अगला वीडियो किस पे बनाऊं, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर लेना। बाकी मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो की मजदूरी में, तो हां थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बाय।